ये देखिए उड़गा स्टेशन। हाय दोस्तों, दिस इज ब्रेक ब्रदर्स और हम लोग जा रहे हैं रांची। ये स्वास्थ्य कर्मियों लोग का अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल चल रहा है। ये मेरा मिसेस है जो NHM संस्था के ये लोग हैं, ये लोग का भूख हड़ताल चल रहा है और वहाँ पे बैठे हुए हैं तो धरना दे रहे हैं, तो हम लोग को जाना पड़ रहा है और जाना भी चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे। तो इसी वजह से हम लोग रांची जा रहे हैं। तो पहले नया गांव में ट्रेन रुकती थी, बट अभी ट्रेन नहीं रुक रही है नया गांव में, तो इसलिए हम लोग को ओड़गा आना पड़ा। और ओड़गा से हम लोग ट्रेन चढ़ेंगे तपस्विनी में, वो पुरी से हटिया आती है और जाती भी है, तो उसी ट्रेन में हम लोग को जाना है। तो 8:15 में है ओड़गा से, तो हम लोग आ गए हैं। तो चलिए फिर पहले आगे का अपडेट देते हैं। आए दोस्तों, हम लोग हटिया पहुंच गए हैं, ये रेलवे स्टेशन से जस्ट निकल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं ये हटिया रेलवे स्टेशन है, हटिया रेलवे स्टेशन। कैसा भीड़ है हटिया रेलवे स्टेशन में, बहुत ज़्यादा भीड़। दोस्तों, हम लोग हटिया से बिरसा मुंडा चौक आए, फिर वहाँ से ऑटो पकड़ के हम लोग निकल चुके हैं राजभवन की ओर, क्योंकि अनशन वहीं पे हो रहा है। हमारे स्वास्थ्यकर्मी सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग भी वहीं पे जा रहे हैं। और आप लोग रांची का ये रास्ता है देखिए, मजा लीजिए, बहुत ही सुंदर रास्ता है। मैं सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, अब आप लोग भी देखिए, है ना।
दोस्तों हम लोग धरना स्थल पे पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। साइड में जहां जगह मिले आप जगह लेकर बैठ जाएं कृपया। पीछे दोनों भी खड़ी है दीदी लोग, दीदी लोग पीछे दोनों खड़ी है दीदी लोग, प्लीज उससे असर हो हमारे पास का। दोस्तों हम लोग आए हैं रांची में, यहाँ पे अनशन चल रहा है, भूख हड़ताल एएनएम जीएनएम लोग का। सिमडेगा जिला सुनाई नहीं देता है क्या? देख सकते हैं हमारी बहनें जो आई हुई थी सिमडेगा जिला से, कृपया दो बहनें जितना जल्द हो सके आ पाए हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कैसे धूप में खिलखिलाता धूप में लोग बैठे हैं। ताली बजाए, बाले अर्पण हो रहा है बहन, ताली बजाए जोरदार ढंग से ताली बजाए ताकि हमारी अनशनकारी बनने का। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं माता बहने कैसे अपना हक का लड़ाई लड़ रहे हैं और अनशन पे बैठे हुए हैं, बीमार हैं, बीमार हो जा रहे हैं। बहुत दुख लगता है इसे देखकर, एक बूंद पानी तक नहीं पी रहे हैं और अनशन पे बैठे हैं लगातार 24 तारीख से। सरकार कब सुनेगी, देख तो क्या होता है। पर बहुत दुख की बात है, अपना हक के लिए लड़ रहे हैं हमारे अनशनकारी आंदोलन के जज्बे को बढ़ाते रहना है, उत्साहित करते रहना है ताकि हमारा आंदोलन आगे बढ़ते रहे। और जो हमारा सरकार है सरकार की तरफ से आए हैं और आप लोगों की बातों को सरकार तक हम लोग पहुंचाएंगे और आपकी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। इसी आशय हेतु हम लोगों को अभी शिक्षा मंत्री के पास ले जाया जा रहा है श्री जगन्नाथ महतो के पास। अब वहां पर हमारी मांगों को रखा जाएगा, अब उस पर क्या सहमति बनती है अब ये तो वहीं पर पता चलेगा। आगे की क्या कुछ रणनीति बनाई, क्योंकि आप लोगों ने यज्ञ भी किया, अनशन पर भी आप लोग बैठे हैं। अब तो क्या रणनीति, हम तो आखिरी जो हमारा ये था हम बैठ चुके हैं अमरन अनशन पे, इसके आगे जीवन मृत्यु ही होता है। अमरन अनशन मतलब जीवन और मृत्यु होता है। अब हमारे 7 दिन से जो साथी अमरन अनशन पे अन्न जल त्याग के बैठे हैं, एक एक की गंभीर स्थिति होती जा रही है। 4 कल ही ICU में थे, आज 3 लोगों को ICU में शिफ्ट कराया गया है। धीरे धीरे हमारे साथियों की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसके आगे और हम क्या कर सकते हैं, जब हम जीवन मरण पे ही ये हो गए हैं, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो जीवन मृत्यु हमारे साथ चल रही है। हमारे एक भी साथी को अगर कुछ होता है तो सरकार हम सभी 7,500 अनुबंध कर्मियों की ही इच्छा मृत्यु दे दे ताकि हम लोग सब बच्चे की संख्या में। आप लोग यहाँ से आज शिक्षा मंत्री के आवास पर जाएंगे? हम लोग 6 से 7 लोग जाएंगे अभी शिक्षा मंत्री के आवास। आज अलग अलग राज्य से भी लोग यहाँ पर आज अनशन पर बैठने के लिए आए हैं? हाँ, अलग अलग राज्य से, क्या वो रोज ही आ रहे हैं, क्योंकि जब 21 साथी अपने जान की बाजी लगा कर बैठे हैं तो
हम कैसे घर में बैठ सकते हैं, अलग अलग राज्यों में कैसे बैठ सकते हैं, उनको तो यहाँ आना ही है क्योंकि उनके साथ ही उन्हीं के लिए आज इतना बड़ा बलिदान कर रहे हैं और घर में रहना कहीं से भी भरोसा करेंगे आपके बातों पर कि हमारी बातों को सरकार तक इसी गंभीरता पूर्वक रखे और तत्काल इसका निर्णय ले। राजेश कश्यप से जिंदाबाद। आकर मीडिया लगा मोदी लगा अंदर अरे आओ ना बुलाओ ना सबको बार बार यही सर आई जनता जनता जय सर जय मोदी आपकी गठबंधन के सरकार लगा ली जो भी उनको लेकिन इसके बावजूद 4 साल हो गए जब हम पारा टीचर पर निर्णय ले सकते हमारी बहनों का हम कहाँ करें कि निर्णय नहीं मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हम निर्णय नहीं लेंगे। हमने कहा कि जब हम पारा टीचर पर निर्णय ले सकते हैं हमारी बहनों के भी निर्णय लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे बहुत जल्दी क्या लगता है कि ठीक है आप ये 2 साल मिले एक साथ ही काम करने के लिए मिले क्या ये जो अस्थाई अनशन इनका बैठ चल रहा है इसको लेकर आप लोग क्या जल्द से जल्द मैं इतना आपके चैनल के माध्यम से इसको ये कहना चाहता हूँ बहुत जल्द हम लोगों को ये लोग मिठाई खिलाएंगे। ठीक है जैसा कि आपने देखा राजेश जी बताया हर कुछ का एक नियम इनकलाब जिंदाबाद और हमारा इनकलाब जिंदाबाद जैनम जिनम संघ जिंदाबाद हमारी मांगे जायज है मानिए आने वाले दिनों में सरकार से बात करके बहुत जल्द इनका जो मांग है ये लोग हम लोगों को लड्डू खिलाएंगे। राजेश जी एक तरफ जहाँ ये आंदोलन पर बैठे वहीं पे स्वास्थ्य व्यवस्था भी गड़बड़ा गई है अस्पतालों की स्थिति चरमरा गई है। देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए निश्चित तौर से सदर जो है सदर अस्पताल है ये राजधानी में लोड ज़्यादा है रिम्स में भी लोड ज़्यादा है। हम लोगों का प्रयास है कि हर जिले और हर प्रखंड में वो व्यवस्था कराया जाए। देखिए हमारे पास में बिल्डिंगें पिछले सरकार ने बहुत बना करके छोड़ रखा है लेकिन बिना घर किसके लिए बनाइएगा जब वहाँ इंसान रहेगा तब ना डॉक्टरें नियुक्त नहीं किए और बिल्डिंग बना लिए अब हमारे वो जो हमारे आपका पाप हम धो रहे हैं। अरे कम से कम वहाँ बिल्डिंग बना के पैसा राजस्व थोड़ा आपका बचता वहाँ बनाते जहाँ आप डॉक्टर दे पाते लेकिन आप अनाप शनाप बिल्डिंग बना करके छोड़ दिए हैं आज खंडर होता जा रहा है लेकिन उसका भी पाप का भाग इधर करिए मतलब खाइएगा आप ठीक है गंदा करिएगा आप दो तीन बार हम उम्मीद करें सर कि देखिए मैं आपको बहुत पॉजिटिव बात बता रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर है पूरी सरकार गंभीर है माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी गंभीर है आपको मैं बता दे रहा हूँ आज माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी वार्ता करेंगे हम तमाम विधायकगण वार्ता कर रहे हैं और मैं इतना कहूँगा इनके हाथों से हम लोग जल्दी मिठाई मैं आमरण अनशन से इसको हटाने के लिए नहीं आया था मैं ये कहने के लिए आया था अरे जब आपका रिजल्ट आएगा खुशी मनाने के लिए आपका शरीर ठीक रहना चाहिए ना मैं ये कहने के लिए आया था मतलब आप स्वस्थ रहिएगा। कौन कहता है देखिए सरकार 22 वर्ष में अभी तक क्यों नहीं हुआ 22 वर्ष में राज्य हमारे साथ 2 राज्य और अलग हुए तो कहाँ से कहाँ पहुँचे हम कहाँ पहुँचे हैं कोई निर्णय अभी तक लिया जितना आपकी सारी नौकरियाँ आपको कोर्ट में चल रहा है हम ये कोर्ट का जो है ना किच किच को समाप्त करने जा रहे हैं।
ये कोर्ट का किस किस रहेगा, और यहाँ आपको बता दे रहे हैं कि खुशहाल झारखंड रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं तबीयत खराब है, फिर भी हमारे एन एम जी एन एम बहनों ने कैसे आ रहे हैं, तबीयत खराब है फिर भी लोग आ रहे हैं और अपना अनशन में योगदान दे रहे हैं। घटनास्थल पे जाएंगे, डॉक्टर साहब हम लोग बैठेंगे, शंकर माने एक बार नारा लगाएंगे जोर से, उधर नहीं आइएगा फिर दोबारा, उधर से जाइएगा भीतर। हनुमान पारायण संस्थान की ओर से राज्य की जनता से यह क्षमा चाहते हैं।